निज स्वरूप क्या है? श्रीमद् पारक संहिता अध्याय 21 के पहले श्लोक में सद्गुरुदेव भगवान निज स्वरूप के बारे में समझा रहे हैं। देव निज स्वरूपम किमस्त संशयम माम विस्तारेण यस्य बोधम मामे विज्ञतु परम। पहले श्लोक में परम साहसी निर्वन देव कहते हैं कि हे गुरुदेव भगवान, निज स्वरूप क्या है? यह मेरे हृदय में संशय उत्पन्न हुआ है। इस परम चैतन्य पुरुष का विस्तार पूर्वक ज्ञान करावें। मुझे यह जानने की परम जिज्ञासा हुई है। कृपा करके आप उसका रहस्य भेद पूरा कहें। निर्बंध निज स्वरूपम का विज्ञानम तत्परम सावधानम ऋणुतमा वचनम। दूसरे श्लोक में श्री सद्गुरुदेव जी महाराज निर्बंध से कहते हैं कि यह निज स्वरूप का कौन सा विज्ञानात्मक स्वरूप है, उस परमात्मा का भाव मैं कहता हूँ। मेरी वाणी को सावधान होकर सुनो, तब तुम्हारी बुद्धि समझने में समर्थ होगी। पारखम निज स्वरूपम यंत्र तंत्र सर्वत्रम निर्बंध ज्योतिषम परम विशुद्धम अयम। तीसरे श्लोक में श्री गुरुदेव भगवान निर्बंध को निज स्वरूप का भाव समझाते हुए बताते हैं कि जहाँ वहाँ सर्वत्र व्याप्त रहने वाला, जो सभी प्रकार के विकारों से रहित विशुद्ध परम प्रकाश स्वरूप परख में आने वाला ही निज स्वरूप है। न व्यक्ता व्यक्तम माया जीवम च ब्रह्म पार ब्रह्म ज्ञान विज्ञान क्रिया ईश्वराध च नापम स्वरूपम। चौथे श्लोक में श्री परमहंस देव जी महाराज निर्बंध को समझाते हुए कहते हैं कि यह निज स्वरूप न व्यक्त है और न अव्यक्त है, और माया जीव ब्रह्म पारब्रह्म विज्ञान ज्ञान ईश्वर आदि सभी प्रकार की उपाधियों इस निज स्वरूप को आच्छादित नहीं करती हैं। यह सब चित्त ब्रह्म मात्र अविद्या है, जो उसमें नहीं है। अंड पिंड ब्रह्मांड छराछरम नी अक्षराध चा न उपाधि समाधि व्याधिज्ञ निज स्वरूपम। पांचवें श्लोक में श्री गुरु महाराज जी निज स्वरूप का विवेचन करते हुए कहते हैं कि हे निर्बंध, अंड पिंड ब्रह्मांड और क्षर अक्षर एवं नियक्षर आदि उसमें नहीं भासते हैं। वह सभी उपाधियों तथा समाधि व्याधि आदि निज स्वरूप में नहीं हैं। वह इन सबसे अत्यंत ही परे है। निकट दूरियो भेदम धर्माधर्म न नेम च आचार्य संहितांत परे निर्बंध नाम रूपादिचा। छठे श्लोक में हृदय सम्राट परम दयालु गुरु महाराज जी निर्बंध से कहते हैं कि यह निज स्वरूप निकट और दूर आदि के भेदों वाला नहीं है, और धर्म अधर्म भी उसमें संज्ञा नहीं पाते हैं, तथा वह किसी प्रकार के नियम पूजा पाठ ध्यान एवं आचार संहिता से जानने में नहीं आता है। नाम रूप आदि विशेषणों से यह निज स्वरूप नहीं जाना जाता है। निर्वाच्यम केवलम परमाध नायम परम निर्बंध सर्वत्र व्याप्तम च सर्वाण परे स्वरूपम। सातवें श्लोक में पारब्रह्म सद्गुरुदेव निज स्वरूप का वर्णन करते हुए निर्बंध से कहते हैं कि यह निज स्वरूप वाणी से अत परे, जिसे कैवल्य परम पद आदि को प्राप्त हुआ नहीं जानता है। यह सर्वत्र व्यापक तथा सबसे परे है, जो सबका परम कारण स्वरूप है।